पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर जो बैन लगा हुआ है वो 2024 के अंदर 15 मार्च से लागू हो जाएगा। अब यहाँ पर जब 15 मार्च नज़दीक आने वाली है तो बहुत सारे लोगों के मन में यहाँ पर सवाल हैं, चिंताएं हैं, जो मैं आज की वीडियो में आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ। जी हाँ, जो भी आपका सवाल रहेगा, लगभग यहाँ पर 20-25 सवाल हैं जो मैं यहाँ पर कवर करूँगा। हो सकता है आपका यहाँ पर सवाल का जवाब हो, तो आप वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। चलिए हम बिना देरी लगाए सवाल शुरू कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला सवाल है कि मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर बचत या चालू खाता है, क्या मैं 15 मार्च के बाद भी इस खाते से पैसे निकालना जारी रख सकता हूँ? क्या मैं पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा जारी अपने डेबिट कार्ड का उपयोग जारी रख सकता हूँ? तो यहाँ पर सीधा सीधा इसका जवाब है कि हाँ, आप यहां पर जो आपकी शेष राशि है आप उसे उपयोग कर सकते हैं। आप डेबिट कार्ड के माध्यम से भी उसका उपयोग कर सकते हैं। डेबिट कार्ड का भी इस्तेमाल आपका यहां पर 15 मार्च के बाद भी इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा सवाल ले लेते हैं, मेरे पास पेटीएम पेमेंट बैंक का एक बचत चालू खाता है, क्या मैं 15 मार्च के बाद उसमें पैसे जमा करा सकता हूँ, ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? तो यहाँ पर बताया गया है नहीं, आप यहाँ पर किसी भी तरीके का क्रेडिट डिपॉजिट नहीं कर सकते 15 मार्च के बाद। लेकिन यहाँ पर जो ब्याज कैशबैक या साझेदारों बैंकों से स्वीप इन या स्वीप आउट की जो सर्विसेज है उसकी अनुमति यहाँ पर रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो कैशबैक है, ब्याज है, साझेदार बैंकों से स्वीप इन या रिफंड के जैसी सर्विसेज हैं, रिफंड जैसी सर्विसेज हैं, तो वो यहाँ पर चालू रहेगी। उसके अलावा किसी भी चीज़ की आपको अनुमति नहीं है। अब यहाँ पर है कि मैं 15 मार्च 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक में अपने खाते में रिफ़ंड की उम्मीद कर रहा हूँ, क्या रिफ़ंड मेरे खाते में जमा किया जा सकता है? तो जवाब है हाँ, आप 15 मार्च के बाद भी यहाँ पर इसमें इसकी अनुमति है, यहाँ पर यह आपको मिल जाएगा। अब एक और सवाल ले लेते हैं, 15 मार्च 2024 के बाद स्वीप इन स्वीप आउट व्यवस्था के माध्यम से साझेदार बैंकों के साथ रखी गई जमा राशि का क्या होगा? तो यहाँ पर जवाब है, पेटीएम पेमेंट बैंक के ग्राहकों को पार्टनर बैंकों में रखी मौजूदा जमा राशि को पेटीएम पेमेंट बैंक खातों में वापस स्वीप इन किया जा सकता है, जो पेमेंट बैंक के लिए निर्धारित शेष राशि की सीमा यानी 2 लाख के अधीन है। दिन के अंत में ग्राहक द्वारा उपयोग निकासी के लिए शेष राशि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऐसे स्वीप इन की अनुमति जारी रहेगी। हालांकि 15 मार्च के बाद यानी कि पेटीएम पेमेंट बैंक के माध्यम से भागीदार बैंकों के साथ कोई नई जमा राशि यानी कि कोई किसी तरीके की नई जमा की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पर सवाल ले लेते हैं, मेरा वेतन पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ मेरे खाते में जमा किया जा सकता है, क्या मैं इस खाते में अपना वेतन प्राप्त करना जारी रख सकता हूँ? तो यहाँ पर है नहीं, 15 मार्च के बाद आपको यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर किसी भी तरीके की क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाएंगे आप, यहाँ पर इसकी अनुमति नहीं रहेगी। यह सुझाव दिया गया जाता है कि असुविधा से बचने के लिए 15 मार्च से पहले पहले आप दूसरे बैंकों के साथ चले जाइए। अब यहाँ पर अगला सवाल है कि मुझे पेटीएम पेमेंट बैंक में अपने खाते में सरकार से आधार से जुड़ी सब्सिडी या कुछ प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होते हैं, क्या मैं इसे अपने खाते में प्राप्त करना जारी रख सकता हूँ? तो यहाँ पर सवाल जवाब है नहीं, 15 मार्च 2024 के बाद आप पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ अपने खाते में ऐसा कोई क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाएंगे। किसी भी असुविधा से बचने के लिए आप 15 मार्च से पहले पहले किसी दूसरे बैंक खाते में यानी कि इसे बदलने की व्यवस्था करें। अब यहाँ पर एक और सवाल है, मेरा मासिक बिजली बिल पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड वाले मेरे बैंक खाते से स्वचालित रूप से भुगतान किया जाता है, क्या यह जारी रह सकता है? तो जी यहाँ पर जवाब है, निकासी डेबिट अधिदेश जैसे नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, यहाँ पर बात चल रही है जो ऑटो पे होते हैं सर्विसेज, ऑटो पे से रिलेटेड यहाँ पर सर्विसेज होती हैं, बिजली का बिल ऑटो पे हो जाना या किसी भी यहाँ पर नेटफ्लिक्स या किसी भी तरीके का OTT प्लेटफॉर्म के अंदर आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक जो आपके यानी कि ऐप के अंदर ऑटो में पेमेंट लगी हुई होती है, तो क्या वो यहाँ पर जारी रहेगी? तो यहाँ पर जवाब दिया जा रहा है, आपके बैंक में शेष राशि उपलब्ध होने तक यानी कि जो आपके बैंक के अंदर शेष राशि उपलब्ध जब तक रहेगी तब तक ये सर्विसेज आपकी चलती रहेंगी। आपको यहाँ पर यानी कि जो आपका मौजूदा बैलेंस रहेगा उसके बैलेंस के बाद ख़त्म होने के बाद आप वहाँ पर दूसरा बैंक इससे लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये द्वारा यानी कि जब तक आपका बैलेंस बचा हुआ है तब तक ये सर्विसेज चलती रहेंगी। किसी भी असुविधा से बचने के लिए आप यहाँ पर दूसरा बैंक से इसके अंदर चले जाएँ, दूसरे में यानी किसी दूसरे बैंक के अंदर इसे सेटअप कर लें। अब यहाँ पर जवाब दूसरा एक और सवाल लेते हैं, मेरी मासिक
एक OTT सदस्य का भुगतान पेटीएम पेमेंट बैंक वाले मेरे खाते से UPI के माध्यम से स्वचालित रूप से किया जाता है? ये वही सवाल है, यानी कि आपका जो ऑटो पेमेंट डेबिट वगैरह से होता है, तो वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब तक आपका शेष राशि बची रहेगी, आपके जितने भी OTT प्लेटफॉर्म की ऑटो पेमेंट होती है वो यहाँ पर शेष बैलेंस के ख़त्म होने तक ऑटोमेटिक कटते रहेंगे आपके अकाउंट से बैलेंस। उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरे बैंक में तो जाना पड़ेगा ही, मजबूरी है आपकी। अब यहाँ पर एक और सवाल है कि मेरे ऋण की किस्त EMI स्वचालित रूप से मेरे पेटीएम पेमेंट बैंक मेरे खाते से भुगतान होती रहती है, क्या ये जारी रह सकती है? तो मैंने जैसा कि बताया कि ये ऑटोमेटिक पेमेंट है, ये जब तक आपके अकाउंट में बैलेंस रहेगा, मौजूदा बैलेंस, ये चलता रहेगा। अगर आप यहाँ पर इससे बचना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आपका यानी कि बैंक पता चल रहा है कि आपका यहाँ पर बैलेंस ख़त्म हो जाए तो, और आपकी यहाँ पर सर्विसेज बाधित हों, तो आप यहाँ पर किसी दूसरे बैंक के अंदर वैकल्पिक रूप से यहाँ पर दूसरे बैंक के अंदर इसे सेटअप कर लीजिएगा। अब यहाँ पर है मेरे ऋण की किस्त, ये वही सवाल है, मैं इसे दोबारा से नहीं लूँगा। अब यहाँ पर मेरे पास पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर एक वॉलेट है, क्या 15 मार्च के बाद भी इसे वॉलेट से पैसे का उपयोग करना जारी रह सकता है? तो हाँ, यहाँ पर जो आपका मौजूदा बैलेंस है वो यूज़ होता रहेगा, उसमें किसी भी तरीके की आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन क्रेडिट डिपॉजिट वगैरह नहीं होंगे, आपको यहाँ पर इस तरीके से इसे यूज़ करते रहना है। हालांकि न्यूनतम KYC वॉलेट का उपयोग केवल व्यापारी भुगतान के लिए किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक और सवाल लेते हैं, मेरे पास पेटीएम पेमेंट बैंक का एक वॉलेट है, क्या मैं 15 मार्च के बाद इस वॉलेट में टॉपअप या पैसा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? क्या ये 15 मार्च के बाद किसी अन्य बैंक से इस वॉलेट में पैसा प्राप्त कर हो सकता है? तो यहाँ पर नहीं, किसी भी तरीके का ट्रांसफ़र, किसी भी तरीके का आपका यहाँ पर डिपॉजिट नहीं होगा, सिर्फ कैशबैक, और यहाँ पर रिफ़ंड के अलावा यहाँ पर किसी भी तरीके की अनुमति नहीं रहेगी। अब यहाँ पर है मेरे पास पेटीएम पेमेंट बैंक का एक वॉलेट है, क्या मैं इस वॉलेट को बंद कर सकता हूँ और शेष राशि किसी अन्य बैंक अपने खाते में यानी कि यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? तो हाँ, आप अपने इस वॉलेट से किसी भी बैंक के अंदर अपना यहाँ पर बैलेंस निकाल सकते हैं। आपका वॉलेट KYC वाला होना चाहिए। यहाँ पर पूरा सवाल जवाब पढ़ लेते हैं। हाँ, आप अपने वॉलेट के बंद करने और पूर्ण KYC वॉलेट के मामले में शेष राशि को किसी अन्य बैंक खाते रखे गए खाते में स्थानांतरित करने के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक से संपर्क कर सकते हैं, उसके बैंकिंग ऐप का उपयोग कर सकते हैं। न्यूनतम KYC वॉलेट के मामले में आप उपलब्ध शेष राशि का उपयोग कर सकते हैं या धन वापसी के लिए अनुरोध कर सकते हैं। अब एक और सवाल ले लेते हैं, क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद UPI IMPS के माध्यम से अपना पैसा अपने पेटीएम पेमेंट बैंक के खाते में स्थानांतरित कर सकता हूं? तो नहीं, आप नहीं कर सकते 15 मार्च 2024 के बाद ये। अब यहाँ पर दूसरा एक और सवाल है, क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद UPI IMPS के माध्यम से अपने पेटीएम पेमेंट बैंक खाते में अपना पैसा निकाल सकता हूँ? तो हाँ, आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। आप अपने खाते में उपलब्ध शेष राशि तक UPI IMPS के माध्यम से पेटीएम पेमेंट बैंक खाते से अपना पैसा निकाल सकते हैं। अब नया सवाल लेते हैं, मेरे पास पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा जारी किया गया एक फास्टैग है, क्या 15 मार्च 2024 के बाद टोल भुगतान के लिए इसका उपयोग जारी रह सकता है? हाँ, आप उपलब्ध शेष राशि तक टोल का भुगतान करने के लिए अपने फास्टैग का उपयोग जारी रख सकते हैं। हालांकि 15 मार्च 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा जारी किए गए फास्टैग में कोई भी फंडिंग या टॉपअप की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह सुझाव दिया जाता है कि आप किसी भी असुविधा से बचने के लिए 15 मार्च 2024 से पहले किसी अन्य बैंक द्वारा जारी किया गया नया फास्टैग खरीद लें। अब यहाँ पर एक और सवाल है, मेरे पास पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा जारी किया गया फास्टैग है, क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद शेष राशि का रिचार्ज कर सकता हूँ? नहीं, 15 मार्च 2024 के बाद आप पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा जारी किए गए अपने फास्टैग का टॉपअप या रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। यह सुझाव दिया जाता है कि आप किसी दूसरी कंपनी का यहाँ पर फास्टैग खरीद लें। अब यहाँ पर नया सवाल ले लेते हैं, क्या मैं पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा जारी किए गए अपने पुराने फास्टैग से शेष राशि को किसी अन्य बैंक खाते में बैंक से प्राप्त नए फास्टैग में स्थानांतरित कर सकता हूँ? फास्टैग उत्पाद में क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफ़र सुविधा उपलब्ध नहीं है। आप यहाँ पर इसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते क्योंकि ये सुविधा उपलब्ध ही नहीं है। आपको पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा जारी किए गए अपने पुराने फास्टैग को बंद करना होगा और बैंक में रिफ़ंड के लिए अनुरोध करना होगा। अब यहाँ पर मेरे पास पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा जारी NCMC कार्ड है, क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद इसका उपयोग कर सकता हूँ? हाँ, आप उपलब्ध शेष राशि तक अपने एम
एनसीएमसी कार्ड का उपयोग जारी रख सकते हैं। हालांकि 15 मार्च 2024 के बाद कार्ड में धनराशि लोड या टॉपअप नहीं कर पाएंगे। असुविधा से बचने के लिए आपको सुझाव दिया जाता है कि आप दूसरे यहां पर दूसरा कार्ड वगैरह यहां पर जारी कर ले। अब यहां पर है मेरे पास पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा जारी किए गए एनसीएमसी कार्ड है। क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद टॉपअप रिचार्ज आदि के माध्यम से इसका बैलेंस जोड़ सकता हूँ? नहीं, आप यहाँ पर नहीं जोड़ सकते 15 मार्च 2024 के बाद। इसके अलावा यहाँ पर जारी किए गए अपने पुराने एनसीएमसी कार्ड से शेष राशि स्थानांतरित कर सकता हूँ किसी अन्य बैंक से प्राप्त नए कार्ड के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक में? तो यहाँ पर बताया गया है एनसीएमसी कार्ड में बैलेंस ट्रांसफ़र सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर ये ट्रांसफ़र ही नहीं होगा क्योंकि सुविधा ही नहीं है। नया सवाल लेते हैं। मैं एक व्यापारी हूँ, मैं किसी अन्य बैंक खाते से जुड़े पेटीएम क्यूआर कोड पेटीएम साउंड बॉक्स या पेटीएम POS टर्मिनल का उपयोग करके भुगतान स्वीकारता हूँ, क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद इसमें यहाँ पर इसका उपयोग जारी रख सकता हूँ? तो यहाँ पर जवाब है हाँ, यदि आपकी रसीद और धनराशि का हस्तांतरण पेटीएम पेमेंट बैंक के अलावा किसी अन्य बैंक खाते से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। यानी कि आपका पेटीएम पेमेंट बैंक ना जुड़ा हुआ हो, किसी दूसरे बैंक में वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। अभी यहाँ पर दोबारा से वही सवाल हो रहा है, मैं एक व्यापारी हूँ और मेरे पेटीएम क्यूआर कोड के अंदर मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर क्या मैं ट्रेजरी से जारी रख सकता हूँ इसका ट्रांसैक्शन वगैरह करना? तो यहाँ पर जवाब दे दिया गया है नहीं, अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक जुड़ा हुआ है या वॉलेट जुड़ा हुआ है तो आप यहाँ पर इसे दूसरे बैंक का यानी कि सेटअप करवा लीजिएगा अपने एजेंट से, या आप अपने आप कर लीजिएगा पेटीएम ऐप के माध्यम से। वहाँ पर जो आपका यहाँ पर जो आपकी शेष यानी कि जो भी ट्रांसैक्शन होगा वो दूसरे बैंक के अंदर ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की असुविधा नहीं होगी। और अगर आपके पेटीएम पेमेंट बैंक उससे जुड़ा हुआ होगा या वॉलेट जुड़ा हुआ होगा तो वहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप यहाँ पर दूसरे बैंक के साथ चले जाइएगा। अब यहाँ पर है नया सवाल, क्या मैं पेटीएम पेमेंट बैंक में अपने खाते का उपयोग करके भारत बिल भुगतान प्रणाली BPS के माध्यम से भुगतान कर सकता हूँ? तो यहाँ पर है हाँ, आप अपने पेटीएम पेमेंट बैंक से भारत बिल भुगतान प्रणाली के माध्यम से अपने खाते में उपलब्ध शेष राशि तक भुगतान करना जारी रख सकते हैं। चूँकि आप 15 मार्च 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ अपने खाते या वॉलेट में कोई भी धनराशि जमा नहीं कर पाएंगे, इसलिए सलाह दी जाती है कि 15 मार्च 2024 से पहले BPS के लिए किसी अन्य बैंक खाते से वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं, यानी कि दूसरा बैंक यहाँ पर जोड़ लीजिएगा। अब यहाँ पर है मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक में एक खाता है, क्या मैं पेटीएम में पेमेंट बैंक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जिन्हें पेटीएम पेमेंट बैंक एजेंट भी कहा जाता है 15 मार्च के बाद मेरे खाते से धनराशि निकालने में मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ, वो आपका पैसा वगैरह आराम से आपको निकाल के दे देंगे क्योंकि वो वहाँ से आपका विड्रॉल करने की सुविधा उनके पास होती है। तो ये थे पेटीएम से रिलेटेड बहुत सारे सवाल जो मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप अभी भी रह गया हो तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसके ऊपर जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा जिससे पेटीएम से रिलेटेड या किसी भी अन्य जानकारी से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको उसको नोटिफिकेशन आप पहुँच जाए, आपको मिल जाए। तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी दूसरी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।